रीजन एंड द सी दोनों ही एग्जॉटिक और फॉरेन ओरिजिन काव हैं। ओशनिक रीजन नॉर्थन हॉलैंड और फ्राइजलैंड ओरिजिन हैं और नीदरलैंड ओरिजिन भी हैं, जो कि कई सालों पहले यूनाइटेड स्टेट की ओशनिक ब्रिड की यूरोपियन ब्लैक एंड वाइट ब्रिड के साथ क्रॉस के बाद डेवलप की गई थी। तभी इसका नाम ओशनिक फ्रीजन रखा गया और इसी कारण इसका कलर ब्लैक विद वाइट पैचेज है। वहीं जर्सी की बात करें तो जर्सी आइसले ऑफ जर्सी इन फ्रांस ओरिजिन है, जिसे ब्रिटिश चैनल ऑफ आइसलैंड भी कहा जाता है। यह रेडिश कलर की होती है और वेट और साइज की बात करें तो ओशनिक फ्रीजन काओ हैवियर एंड लार्ज साइज की होती है जर्सी काओ से। मिल्क यील्ड की बात करें तो जनरली ओशनिक फ्रीजन लगभग 6000 केजी पर लैक्टेशन मिल्क प्रोड्यूस करती है और जर्सी काओ 4000 टू 5000 केजी पर लैक्टेशन मिल्क प्रोड्यूस करती है। मिल्क फैट परसेंट की बात करें तो जर्सी काओ का मिल्क ज़्यादा फैट वाला होता है ओशनिक फ्रीजन काओ से। जर्सी काओ मिल्क में जनरली 4 to 4.7% फैट होती है और ओशनिक फ्रीजन काओ मिल्क में 3 to 3.7% फैट होती है। और इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो जर्सी काओ हीट एंड क्लाइमेट चेंजेस से ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है कंपैरिजन टू ओशनिक फ्रीजन काओ। जर्सी काओ कम बीमार होती है इन कंपैरिजन टू ओशनिक फ्रीजन काओ। दोनों ही गायों की ऊपर से बैक स्ट्रेट होती है। ओशनिक फ्रीजन एंड जर्सी दोनों ही गायों के कान छोटे और सीधे होते हैं। ओशनिक फ्रीजन काओ को वर्ल्ड हैवीस्ट काओ एंड हाई मिल्क प्रोड्यूसर काओ भी कहा जाता है, जबकि जर्सी काओ स्मॉलेस्ट यूरोपियन ब्रीड है कैटल की। दोनों गायों का मिल्क एवन मिल्क कैटेगरी में आता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दो और ई डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए।